व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप दोस्तों? माइक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात को सुनिए। आपको देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। दोस्तों, हम सेल्फीज़ लेते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट पर मुझे अपलोड करते हैं, किस मकसद के लिए? ताकि हमें बहुत सारे लाइक्स मिले। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी स्पेशलिटी, अपने टैलेंट को शेयर करते हैं। उनके पास जो नॉलेज होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी भी मूवी का गाना या फिर उसका ट्रेलर जब भी आप यूट्यूब पर देखते हो, और जैसे का तैसा अगर उसको आप लेकर खुद उसको अपलोड कर देते हो, तो वो गाना ट्रेलर जिसका भी है वो यूट्यूब बता देता है। यानी यूट्यूब की मशीन को ये पता चल जाता है। अगर आप कोई गाना गुनगुना रहे हो तो कोई भी कहेगा ना कि अरे ये तू ये गाना गुनगुना रहा है। तो वैसे ही अगर किसी भी और से अगर कोई भी गाना या फिर ट्रेलर री अपलोड कर दिया जाता है, तो यूट्यूब को, उसकी मशीन को पता चल जाता है कि वो किसका है। दूसरी बात है खुद कुछ भी नहीं करना। मूवीज़ चैनल के बनाए हुए प्रोमोज़ को कॉपी करना, उसको डाउनलोड करना या फिर रिकॉर्ड करना, वो चैनल वाले तो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो उसे अपलोड कर देते हैं, लेकिन ये भी जो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं वो भी उसे अपलोड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, सब कुछ मिक्स हो जाता है, ओरिजिनल चैनल्स और ये दूसरे चैनल्स। प्रोमोज़ मशीन को पता नहीं चलती है क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप कोई मूवी देख रहे होते हो और नया प्रोमो आपको दिख जाता है, तो आपको इतना पसंद आता है कि आप उसको यूट्यूब पर सर्च करते हो और आपको मिल जाता है इन चैनल्स पर जो उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। तो ठीक है, आपको मिल गया, लेकिन उनको क्या मिला? हाँ, उनको व्यूज़ मिले, उनको काफ़ी सारे व्यूज़ मिले, लेकिन उनको और कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर खुद कुछ बनाकर यूट्यूब पर अगर डाले तो ऐसे किसी का कॉपी करके रिकॉर्ड करके करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसका मतलब अगर आप कुछ बनाते हो लेकिन बनाते नहीं, आप किसी का कॉपी करते हो और अपने यूट्यूब पर डालते हो, तो यूट्यूब आपको कहेगा कि ये तो तुम्हारा नहीं है, तो तुम पैसा कमा नहीं सकते। तो वो चैनल्स आए हैं टाइम पास करने के लिए, जो कॉपी करके या फिर रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। उनकी वजह से शायद 5% मेन यूट्यूब चैनल्स को, जो मूवीज़ चैनल्स है, उनके सिर्फ 5% व्यूज़ कम होते होंगे। लेकिन मेरे जैसे चैनल्स, यानी मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बहुत सारे चैनल्स है, उन तक और मेरे चैनल तक आप पहुँच नहीं पाते हो। नहीं, आप तो प्रोमो देखने के लिए आए, लेकिन आपको प्रोमो देखना चाहिए ओरिजिनल यूट्यूब चैनल के। लेकिन अगर आप प्रोमो देखने के लिए नहीं आए हो, आपको किसी बारे में जानना हो, उस मूवी के बारे में कुछ अलग जानना हो, तो दूसरे चैनल्स और मैं हूँ जो आपको उसकी जानकारी देते हैं। दोस्तों, मैं अपनी एक पुरानी बात आपको बताता हूँ। जब बागी 2 सिनेमाज़ में रिलीज़ हुई थी, तब मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था। उसके बाद किसी और चैनल ने जब स्टार गोल्ड पर उसका प्रोमो, स्टार गोल्ड या फिर स्टार प्लस पर उसका प्रोमो जब आया था, उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, तो उसको इतने ज़्यादा व्यूज़ थे कि मैं ये सोचने लगा कि अरे यार, मैंने तो इसे बहुत टाइम पहले अपलोड किया है, लेकिन इसको इतने सारे व्यूज़ क्यों? क्योंकि लोगों ने सिर्फ प्रोमोज़ देखने के लिए उसके चैनल पर आकर उस वीडियो को देखा। तो मैंने भी गलती की, ऐसा नहीं कि मैंने गलती नहीं की, तो मैं भी प्रोमो को लेकर उसको अपनी तरीके से थोड़ा सा एडिट करके मैं उसे अपने चैनल पर डालता था, और मेरे भी व्यूज़ इतने बढ़ गए थे दोस्तों, इतने बढ़ गए थे कि मैं भी बहुत खुश हो गया था। लेकिन बाद में मैं समझ गया कि यार, इसमें तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत एडिट किया, लेकिन वो यूट्यूब को पसंद नहीं आया। उसने कहा कि तुमने दूसरे का वीडियो इस्तेमाल किया है, ओरिजिनल यूट्यूब चैनल्स का वीडियो इस्तेमाल किया है। तो फिर मैंने अपने उस सारे वीडियोज़ डिलीट कर दिए। अगर आप प्लेलिस्ट में देखे होंगे तो आपको कोई कोई कुछ कुछ वीडियोज़ आपको दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, जैसे ही मूवी सिनेमाज़ में रिलीज़ होते, मैं तब भी बता देता हूँ, उसी वक्त बता देता हूँ। ये इतना अर्ली हो जा रहा है कि मुझे लग रहा है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। अब मुझे ये लग रहा है कि बीच में टाइम आने के बाद ही आपको बता दूँ, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब सिनेमाज़ में मूवी रिलीज़ होगी मैं तभी बताऊँगा, और जब बीच का टाइम आएगा तो मैं तभी बताऊँगा। लेकिन एक बात है कि जब वो मूवी प्रीमियर होने वाली होती है, जब उसका प्रोमो चल रहा होता है, तब मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन उसी वक्त जब उसका प्रोमो आता है, तब उसका प्रोमो रिकॉर्ड करके, डाउनलोड करके वो दिखाते हो और उनको ही आप देखते हो। देखिए दोस्तों, सीधी बात है, अगर आपको प्रोमोस पसंद है तो आप किसी भी चैनल पर देखिए। बेहतर होगा कि आप ओरिजिनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखिए, ना कि उन दूसरे चैनल पर। लेकिन अगर आपको जानना हो कि कौन सी मूवी कब आएगी, किस चैनल पर आएगी, उसके डीवीडीज़ कब आएंगे, उसके ब्लूरेज कब आएंगे, वो डिजिटल डाउनलोड कब अवेलेबल होगी, तो ये चैनल आपके लिए है। तो 5% ओरिजिनल चैनल को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन जैसे चैनल की वजह से मेरे इस चैनल को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अब साहू का एग्जांपल ले लेते हैं। साहू के बारे में मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बना दिया था, लेकिन अगर आप ओरिजिनल यूट्यूब चैनल्स के अलावा उन दूसरे चैनल को देखेंगे, तो उनको इतने सारे व्यूज़ है सिर्फ प्रोमोज के लिए। हाँ, कुछ लोगों ने बताया भी है कि मूवी ने कितना कमाया, क्या क्या किया, उनकी बात सही है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ प्रोमो रिकॉर्ड करके या फिर डाउनलोड करके अपलोड किया हुआ है, उनको भी व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है कि आप इन चैनलों से दूर रहिए। अगर आपको प्रोमो देखना है तो आप देखिए, लेकिन ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पर। और मूवीज़ के इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल आपके लिए है। थैंक यू।